आज 1 जुलाई से देश भर में कानून की भाषा बदलने वाली है। 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल से कानूनों की विदाई हो जाएगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। दिल्ली में इन नए कानूनों के तहत पहली FIR सोमवार सुबह दर्ज भी हो गई है। नए कानून लागू होने के बाद आम लोगों के पास पुलिस की पहुंच आसानी होगी। पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद आज प्रदेश भर के हर जिलों में पुलिस द्वारा लोगों को जन जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन महेंद्र सिंह सिकरवार, DIG साकेत पांडे, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम रीवा से एक वृहद रैली का आयोजन किया गया, जो जगह जगह जाकर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी देंगे, जिससे लोगों को नए कानून की जानकारी हो और वह आसानी से न्यायपालिका तक पहुंच सके। आज से प्रदेश सहित जिले के हर थानों की व्यवस्था भी बदल जाएगी। किसी तरह के साक्ष्य एकत्र करती थी, जब्ती करती थी, सीजर करती थी, सर्च करती थी, बड़ी मेहनत से एविडेंस लाई थी, लेकिन वही गवाह आगे कोर्ट में झूठ बोल लगे थे, साहब हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ कोई जब्ती हुई नहीं। तो पुलिस की पूरी मेहनत को, पुलिस की पूरी एविडेंस को वो 2 लाइन में खत्म कर देते थे। अब वो स्थिति नहीं होगी, पुलिस न्यायालय में झूठी साबित नहीं होगी, इसलिए इस हिसाब से पुलिस के लिए बहुत बड़ा ये होगा। पुलिस की मेहनत को अब जाके एक मान्यता मिलेगी, कोर्ट से भी मान्यता मिलेगी। अब कोर्ट भी केवल गवाह के ओरल एविडेंस पर विश्वास नहीं कर लेगा, अब ओरल एविडेंस को हम चुनौती देने के लिए ग्राफी, वीडियोग्राफी पेश करेंगे। नहीं साहब, इसी ने दस्तखत बनाया, साहब इसी के सामने जब्ती हुई है, साहब इसी से जब्ती हुई है। अब हम एक दमदारी के साथ कहने के लिए सक्षम होंगे हम और आप। अब हमें न्यायालय गवाहों के मौखिक कथन के आधार पर अभियोजन को पुलिस को झूठा नहीं सहारा। ये इसलिए इस हिसाब से ये पुलिस के लिए, अभियोजन के लिए और सबसे बड़ी बात है पीड़ित के लिए, जिसको न्याय मिलना चाहिए उसके लिए ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और इस हिसाब से हम अगर काम करेंगे तो कम से कम आप अपनी किसी भी कार्रवाई के लिए अब आपको मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा, आपको स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा, आपको कहीं कोर्ट में ये नहीं बताना पड़ेगा, हमारा एविडेंस बताएगा कि हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है। इस हिसाब से हमारा ये निवेदन है कि इसको बहुत सहज ढंग से और बहुत ही उसको निष्कर्ष ढंग से हम उसको अप्लाई करें और लागू करें और कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। बेसिक चीजें वही रहेंगी जो थी पहले, अभी भी है और हमेशा रहेंगी। दरअसल जनता को एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि वो EFIR कर सकते हैं। कोई अपराध की सूचना है तो घर बैठे दे सकते हैं, जहां पर घटना हुई वहां से भेज सकते हैं, और अगर जिस थाने के अंतर्गत ये घटना हुई है वहां वो नहीं भी है, कहीं दूर है, तो दूर के थाने में भी देंगे तो वो FIR लिखने से मना नहीं करेंगे, 0 पर लिखेंगे और फिर उसको ट्रांसफर कर। गवाहों के बयान जो हैं वो बयान वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हो सकते हैं। एक समय सीमा हो गई है कि अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच इतने दिन में करके और चालान पेश कर देना है, और गवाहों को न्यायालय में पेश करना है। अगर मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहा है तो भी न्यायालय उसमें ट्रायल करेगी और फैसला दे देगी। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे का भी प्रावधान है, और गवाहों को, मुलजिमों को बुलाने के लिए जो पहले बड़ा अमला और बल लगता था, सम्मन की तामीली नहीं होती थी, सूचना की तामीली नहीं होती थी, अब वो एक ऐप बन जाएगा और उस ऐप के माध्यम से उनको ई सम्मन जाएंगे, उनको व्हाट्सएप पर भी सम्मन जाएंगे और वो रिसीव माने जाएंगे, और उसके आधार पर कार्यवाही सघन रूप से और सरल रूप से और तेजी से हो पाएगी। इसके साथ साथ ही जो ये कानून अब नए बन गए हैं
उन कानूनों में करीब 6 कानून ऐसे हैं जिन कानूनों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया, न्यूनतम दंड कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया कि जेल नहीं भेजना है, ऐसे इससे गलती हो गई है, इन परिस्थितियों में इसको एक बार मौका दिया जाए कि ये समाज की सेवा करे और अपना अच्छा आचरण सुधार ले, अच्छा कर ले आचरण। इसके साथ जो पहले सजाएं थी, कम सजा थी, कितनी भी कम करके छोड़ दिए जाते थे, तो न्यूनतम सजा का कैप लगा दिया है। पहले क्या होता था कि मारपीट में कुछ दिन जेल में है, फिर हाई कोर्ट ने उसको कहा कि अच्छा जितने दिन रह लिया जेल में उसके बाद छोड़ दे, तो कानून ये बनाया कि नहीं, इस मर्जी से आप नहीं छोड़ सकते, कम से कम इतनी, अगर ये अपराध किया है तो कम से कम उसको इतनी सजा भुगतनी पड़ेगी। जी कुछ कठिन कानून जी लागू हो गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग था, जैसे चैन स्नेचिंग था, इनके लिए अपराध नहीं था, मोटर एक्सीडेंट में जमानत तुरंत हो जाती थी, कोई मर जाता था, इनमें सजा का प्रावधान थोड़ा सा कड़ा किया गया है और इनमें कानूनों को नए ढंग से परिभाषित किया गया है और उनको शामिल किया गया है। इस कानून में जो कानून लागू हो रहा है, इससे लोगों को राहत मिलेगी कि, और इन कानूनों के लागू होने से पूरे समाज को, जो हमारे समाज का दर्शन है और जो हमारा संविधान है, उसके अनुरूप ये कानून हो गए हैं। इनकी अपेक्षा, इनको हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे, पूरा देश चाह रहा था, जुडिशरी चाह रही थी, बहुत देर बाद ये आए, लेकिन बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है संसद की कि पार्लियामेंट में ये कानून लागू किए हैं, और सुधार संशोधन समय के अनुसार होते रहेंगे। ये सभी को न्याय इस अवधारणा पर, भारतीय चिंतन पर आधारित कानून, जो कि हमारे माननीय जो कानून बनाने वाले जो कानून संसद है, उन्होंने ये कानून अभी पारित किया है जो आज से लागू हो रहा है, और ये सबको सुलभ न्याय मिल सके, सबको आसानी से सुलभ न्याय मिल सके, और न्याय की अवधारणा को लेकर ये बनाया गया है। पहले का जो कानून था वो दंड पर आधारित था, ये न्याय पर आधारित है, और अंग्रेजों के कानून से आज से हमको मुक्ति मिली है, और जो पुराना कानून चला आ रहा था वो दूसरे उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, जो यहाँ पहले जो लोग राज कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये जनता का कानून है, जनता के लिए है और जनता के लिए ही बनाया गया है। तो निश्चित रूप से इससे जहाँ एक तरफ सुलभ न्याय मिलेगा नागरिकों को, और वहीं पर पुलिस को भी इसको समझने में, जो हम लोगों को लागू करने वाला जो पूरा अमला है उसके लिए भी बड़ी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये रखी गई है कि बहुत आसानी से समझ में आने वाला, आसानी से पालन करने वाला जो है ये कानून है, और इसका जो है हम लोग यहाँ पर सभी स्वागत कर रहे हैं। और आज जो है हमने सभी NCC के बच्चों को, स्काउट्स के बच्चों को, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश और बार एसोसिएशन और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेवा नागरिक हैं, उनको सभी को यहाँ डीन, मेडिकल कॉलेज, सभी को आमंत्रित किया था कि सभी लोग इसमें मौका हिस्सा लेकर और इन कानूनों का स्वागत करें और इसको समझें, क्योंकि नौनिहाल जो है जिन पे कल का भविष्य है उनको भी ये कानून के बारे में ज्ञान हो सके।